राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने प्रत्येक व्यक्ति तक आधारभूत सुविधाओं एवं विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बुधवार को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम बायतो चिमंजी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल, जिला कलेक्टर अंशदीप समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बायतो से राकेश जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने एवं प्रत्येक व्यक्ति तक आधारभूत सुविधाओं एवं विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बुधवार को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम बायतू चिमंजी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल, जिला कलेक्टर अंशदीप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू, प्रधान गैरो देवी, उपखंड अधिकारी विवेक व्यास समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम की वार्षिक पंचवर्षीय विकास योजना, गांधी जी के आदर्शों से संबंधित 17 सूत्रों तथा योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वित पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए समन्वित विकास पर ध्यान देना होगा। उन्होंने गांव में आधारभूत सुविधाओं, सड़कों एवं नालियों के निर्माण, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के साथ आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य बनाने की बात कही। जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने महात्मा गांधी आदर्श गांव में बायतू चिमंजी गांव के चयन के लिए शुभकामना देते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग की ओर से यथासंभव गांव के विकास के लिए सहयोग किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर है। उनके ग्राम स्वराज का सपना गाँव के हर लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने का पूरा होगा। विशिष्ट वक्ता एवं राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हुक्माराम सुथार ने महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शांति एवं अहिंसा के जरिए जीवन के हर क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। क्या काम करवा सकते हैं, क्या योजनाएं बना सकते हैं, इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया। और दूसरा, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनके लिए ज्यादा लंबे समय की जरूरत होगी। और शॉल उड़ाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो कार पास में जाके संपूर्ण क्रांति से इसको खत्म कर। इस अवसर पर बायतू उपखंड अधिकारी विवेक व्यास, तहसीलदार ममता लहुआ, पूर्व प्रधान सिमरथाराम, सरपंच भंवरलाल, बायतू भोपजी सरपंच आशुराम, अधिशासी अभियंता राजेंद्र सिंह, लता कछवा समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्य योजना को बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये के चेक वितरित किए।